नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। राज्य की सरकार लाख दावा कर ले गरीब शोषित पिछड़े वर्गों को न्याय व्यवस्था दिलाने की, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। कहलगांव के रहने वाले मनीष कुमार पासवान की बहन की शादी 2005 में गोराडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कालिकापुर गांव में हुई थी। उसके बाद 2019 में इनकी बहन रिंकू देवी अपनी जेठानी के साथ घर से लोन दिलाने के बहाने ले गई इनकी जेठानी, और उसके बाद से इनकी बहन रिंकू देवी गायब हैं। मनीष कुमार पासवान नज़दीकी थाना क्षेत्र यानी गोराडी थाना में FIR भी दर्ज कराया, और उसके बाद जब वहाँ से इनको नहीं सुनवाई हुई वहाँ पर थाने थे, तो फिर ये जो है बहुत सारे सरकारी कार्यालय के चक्कर भी लगाए, और आप देख सकते हैं कि इनके पास जो है बहुत सारे जो है DIG SSP से लेकर बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को जो इन्होंने आवेदन दिया है वो इन कागजात हैं, और साथ में अभी से 2019 से इनकी बहन गायब है और अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। मनीष पासवान मेरे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं कब से आपकी बहन घर से लापता है और कहाँ कहाँ आपने जो है चक्कर काटे अभी तक। 2019 में गुम हुआ, दुर्गा पूजा का दिन था, छः पूजा था उसके, बोलिए दुर्गा पूजा का दिन था, ठीक है। उसके बाद जब पता हो गया तो वो कोई बगल वाला पड़ोसी बोला कि गया उसके साथ में जठाने के साथ, और अभी तक नहीं लंद लाने का बहाने लगे, अभी तक कभी नहीं किया उसका। जब आई गुथनी तो पूछने लगा तो बोला मेरे साथ नहीं गया है। जब थाना में FIR गया, FIR भी नहीं सुन रहा है, नहीं SP के पास गए, SP भी नहीं सुन रहे हैं, DIG के पास गए, DIG भी नहीं सुन रहे हैं। जब लास्ट में लाचार होकर तब आपके पास कुछ शब्द लेके आए हैं बोलने के लिए। DIG के पास आप आवेदन दिए हैं, कब दिए थे DIG के पास, और थाने में आपने FIR कब कराया था? वह अक्टूबर मंथ था। अक्टूबर मतलब DIG के पास से कब आवेदन दिए हैं और थाने में FIR जो आपने कराया था, अब तक कितने दिन हो गए? अक्टूबर में लगातार हम मंथ में 3-4 बार चल जाते थे एक मंथ का। अभी तक DIG के पास, DIG साहब के पास अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, SP साहब के पास। क्या कहते हैं DIG, क्या बोलते हैं? आप जब जाते हैं आवेदन देख रहे हैं आपके पास है, तो वहाँ से क्या आपको कहा जाता है, क्या सुनने के लिए वहाँ से मिलता है? वहाँ से आश्वासन देता है, ठीक है, रिव्यू करके देख रहे हैं कहाँ है, हम कहते हैं CDRM निकाल रहे हैं, खोज रहे हैं, हम लोग भी बैठे नहीं, हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह आप तो बोले खोज रहे, अभी तक कोई आपका नहीं सबूत मिला, नहीं कुछ दे सके। आपके थाने में जाते तो वो थाना वाला जो मुंशी है वो मेरे पे हाथ उठा दिया था इसके मामले में। क्यों हाथ उठा दिया? वही पूछे कि आयोग जो मेरा आयोग तो दहल बाबू से उससे पूछे कि मेरा बहन के बारे में क्या हुआ, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं वहाँ उतना, तो कहलगा से हमको गोराडी आने में बहुत कठिनाई होती है आने में, लेकिन हम क्या करें, हम भी लाचार अकेला आदमी क्या कर सकते हैं, मेरे भगनी सब रोती है माँ के लिए, तो हम क्या किसको बस सुनाएंगे, कौन मेरा सुनने वाला, कोई नहीं न्याय देने वाला है मेरा। आप बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे को भी इस घटना से आपने अवगत कराया था? हाँ, DGP साहब को भी अवगत कराए थे, लेकिन वो बोला ठीक है हम मेल करते हैं, मेल करके बताते हैं, हम SP साहब को भी देते हैं, SP साहब को मेल किया, लेकिन उसको अभी SP साहब कोई मेल का कोई जवाब नहीं दिया, नहीं कोई सुनवाई हुआ, नहीं कोई कार्रवाई हुआ, अभी तक नहीं खोज नहीं खबर नहीं हमको पूछा गया। जब फ़ोन करके पूछते हैं कि ठीक है खोज रहे हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है। ये जो घटना है, लापता की घटना है, ये न्यायालय में इनका जो है मामला चल रहा है, लेकिन जब इनके वकील से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि इस घटना के बारे में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी अवगत कराया गया है पत्र के माध्यम से, और खासकर बिहार के जो DGP हैं गुप्तेश्वर पांडे उनको भी इस घटना के बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक 2019 से इनकी बहन लापता है, और अभी तक 1 साल घटना को होने के हैं और अभी तक सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। खासकर सबसे बड़ी बात कि जब ये किसी भी DIG हो जाए, SSP हो जाए, कार्यालय के चक्कर काट कर थक चुके हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब इनकी बहन अपनी जेठानी के साथ, कामा देवी उनका नाम है जेठानी का, उनके साथ जब बाहर गई थी लोन दिलाने के बहाने, इनकी बहन रिंकू देवी को घर से बाहर ले गई थी, जब इनकी जेठानी घर वापस आ गई तो पुलिस जेठानी से क्यों नहीं पूछताछ कर रही है? तो पुलिस जो है जेठानी से पूछताछ करा वहां पर, पूछताछ करने लगे, उसके बाद उस पर केस नहीं हुआ था, बाद में हम जाने के उसके साथ गया था, उसे जब ले गया तो छोड़ दिया, वो दांते लगने लगा तो पुलिस जो प्रशासन जो डर के मारे, वो सोचा कि कुछ हो जाएगा थाना में, तो छोड़ दिया डर के मारे छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम पता किए, बोला छोड़ दिया उसको, तो दांते लगता है कि दांते लगने का तो सिलसिला शुरू से उसका है, आज के नया दांते लग रहा है उसको,
जब उसके उसका लोकेशन मोबाइल नंबर ट्रेस किया तो पिछपैतिन दोनों का लोकेशन बंद हुआ। एक बार बात हुआ है लोकेशन से, मेरा बहन जहाँ शादी हुई थी कलकापुर में, तो वहाँ एक मेरे सिस्टर रहते बगल में, उसको फ़ोन किया था 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के बाद स्विच ऑफ हुआ तो स्विच ऑफ ऑफ ही रह गया, फिर ऑन नहीं हुआ। फिर पता लगाते रहे, उसके गोतनी कभी नहीं बताया। और उल्टा की अफवाह उड़ाता है, फलनाटियाँ शादी हो गया चिल्लाटियाँ, लेकिन वो अफवाह उड़ाता है गाँव गाँव में जाके। आपकी बहन जो है रिंकू देवी, उनके बच्चे हैं और उनके हस्बैंड जो हैं वो कहाँ हैं और किस हालत में भी हैं? उसके बच्चे थोड़े बहुत परेशान चल रहे, उसका छोटा छोटा बच्चा है, वो माँ खोजता है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हम बोलेंगे आएंगे आएगा, लेकिन उसका पति जो हम रखे हैं काम करता, बच्चे को खिलाता है, उसको पति का हम परेशान करेंगे तो क्या खिलेंगे? इसलिए हम उसको आश्वासन दे के तो उसका थोड़ा काम करने जाते हैं। और उसका बच्चे सब जो तीनों के बच्चे, हम चारों बच्चा रखते हैं अपने पास माँ बाप के पास। तो बहरहाल तो 1 साल होने को है, आपकी बहन अभी तक नहीं मिली है रिंकू देवी। खासकर हम ये जानना चाहें, अब आप क्या चाहते हैं? आपने सभी कार्यालय DIG से लेकर SP तक कार्यालय के चक्कर काट लिए, यहाँ तक कि थाने में भी आपने FIR करा है, मामला न्यायालय में, लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा इंसाफ मिले, मेरा बहन मिले, लेकिन यहाँ नहीं थाना मिला, नहीं थाना सुनता, नहीं SP साहब, नहीं DIG साहब सुनता है। उसके बाद हम मुख्यमंत्री के मेल भी किए, जो गृह मंत्री किए, प्रधानमंत्री किए, लेकिन कोई किसी का सुनवाई नहीं, कोई मेल किया नहीं, कोई किसी को जवाब डाला। हम लाचार गरीब आदमी, तब ना इतना हमको सहने पर, हम जहाँ सब जगह जाके थक चुके हैं। बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन बाबू के नाम से वो जाने जाते हैं, वो दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सच में सुशासन की सरकार है और ये सरकार गरीबों के हित के लिए काम कर रही है? नहीं, नाम का सुशासन बाबू है, लेकिन सुशासन बाबू करता नहीं है, अपने स्वार्थी का काम है, स्वार्थी की सरकार है ये। खैर, नाम सुशासन बाबू, सुशासन ऐसा काम कुछ थोड़े किया, कौन सा ऐसा काम किया बता दीजिए नीतीश कुमार, क्या कौन सा काम किया है? आई रोड पे सब भूखे मर रहा है गरीब लोग, कहाँ सरकार, कहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हैं? बाया पीत में कितना मर गया, कितना भूखे प्यासे रोड पे अभी खड़े हैं, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ उसका सरकार देख रहा है? इस सरकार में रहने भूखे मर रोड पे थाली लेकर जाकर कोई देने वाला रुपया नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सुशासन की सरकार जो दावा करती है कि खासकर बिहार में, राज्य में सभी वर्ग के लोगों की सरकार है, सुशासन की सरकार है और शोषित पिछड़े वर्ग के लिए ये सरकार बहुत ही काम कर रही है, लेकिन ये सारी बातें अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर ये बातें सभी, जितने भी राज्य की सरकार के जो नेता हैं वो सभी के सोशल मीडिया पर ये बातें पटी रहती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये हकीकत सिर्फ मनीष कुमार पासवान की ही नहीं है, ऐसे कई मनीष कुमार पासवान हैं, ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी न्याय के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, और यहाँ तक कुछ लोग इस चीज़ को चक्कर काटते काटते वो थक गए हैं और फिर न्याय की आस को भुला कर घर पर बैठ गए हैं। बहरहाल आपको हम फिर से एक बार दिखा दें कि ये सारे कागजात जो हैं, ये पुलिस उप महानिरीक्षक और SSP से लेकर पुलिस अधीक्षक से लेकर बहुत सारे इनके पास कागजात हैं, और ख़ासकर जो इनके वकील से जो मेरी बात हुई उनमें जो बताया गया कि यहाँ पर इस मामले को लेकर बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे आए दिन सोशल मीडिया पर वो भी एक्टिव रहते हैं, और खासकर पीड़ितों के न्याय के लिए वो काफी दावे करते हैं, और उसके बाद इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक जो है ये इस पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ हवाई बातें हैं और ये जमीनी हकीकत भी है। बहरहाल हम चाहेंगे कि इस मामले पर जो है नजदीकी थाना गोराडी वो इस पर संज्ञान, और खासकर जो रिंकू देवी की जेठानी जिसके साथ वो बाहर लोन के बहाने जो रिंकू देवी को लेकर गई थी कामा देवी, उनसे अगर पूछताछ बारीकी से हो तो हो सकता है इस मामले में कुछ खुलासा हो और मनीष कुमार पासवान की जो बहन है रिंकू देवी वो शायद घर वापस लौट सके। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।